शुरुआत तो मेरे ग्रैंडफादर से हुई है। उनका नाम था हुकूमत राय भल्ला। वो बिलायत गए थे हायर स्टडीज़ के लिए, तो जब वापसी लौटे तो उनके संग में 3 घड़ियाँ आई थीं। वो घड़ियाँ इतनी नायाब थी कि उससे ज़्यादा क्रेज़ हो गया मेरे को कि यार घड़ियाँ हों तो ऐसी हों, ज़िंदगी में हमने ऐसी तो खूबसूरत घड़ियाँ नहीं देखी। वो स्टेचू क्लॉक्स थे, वो 1830 के आसपास की घड़ियाँ थी। उससे शुरुआत हुई। मेरी पहली घड़ी मैंने ख़रीदी 15 साल की उम्र में, और 15 साल से जो आज तक शुरू हुआ है, जहाँ भी जाता हूँ मैं बिना घड़ी के नहीं आता हूँ। और मैं जो ट्रेवल करता हूँ, बाय रोड करता हूँ, बाय रोड भी इसीलिए करता हूँ कि अगर बड़ी घड़ी भी हो तो मुझे लाने में सहूलियत हो। और मेरे पास एट द मोमेंट सब तरह की घड़ियाँ हैं। ग्रैंडफादर क्लॉक्स हैं 17-18, रेयर क्लॉक्स हैं जो कि वर्ल्ड में दूसरे पीस नहीं है, वर्ल्ड टाइम क्लॉक है, ट्रम्पेट क्लॉक है जो 2 कंट्रीज़ ने मिल के बनाई हैं, और कुकू क्लॉक्स हैं। और सबसे पुरानी घड़ी मेरे पास 1700 की है। हैंड कुछ घड़ियाँ, काफ़ी कुछ घड़ियाँ मेरी हैंडमेड हैं। हैंडमेड घड़ियाँ होती हैं जिसको कि दूसरा पीस नहीं होता, क्योंकि वो हाथ से बनाई गई होती हैं। हाँ, ये 16 कंट्रियों के टाइम बताती है, और ये 1 पीस वुड है, ये एक ही पीस में बनी हुई है। ये रेयर है, ये एक ही घड़ी है। ये 1830 की बनी हुई है, 1903 में ये इंडिया आई थी। 650 से ज़्यादा हैं। हाँ, वर्ल्ड में भी है, लिम्का में भी है, काफ़ी कुछ, काफ़ी पेपर्स में आ रहा है, 30-31 साल से आ रहा है। तो मेरे फादर को भी बहुत शौक था, क्योंकि मैं हाँ, मेरा ग्रैंडसन भी मेरी हेल्प करता है। मेरे फादर भी जब लाते हैं तो क्या होता है, फैमिली में अगर एक बंदा आपकी लाई हुई चीज़ों को अप्रिशिएट करता ना, तो उससे हिम्मत बढ़ जाती है। बोला कैसी भी ले आए यार, उसको अपन चालू करेंगे। और नहीं हो ऐसा कैसा है कि हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो खुद भी मैकेनिकल माइंडेड थे। तो उन्होंने भी इनक्रेज किया, मैं भी लाता गया। फिर कुछ रेयर पॉकेट वॉचेज हैं। पॉकेट वॉच की शुरुआत पहले हुई है, बाद में रिस्ट वॉच आई है। तो वो पॉकेट वॉच शायद पब्लिक को पता नहीं होगा, पॉकेट वॉच बनाई गई थी रेलवे टाइम कीपर के लिए, उस टाइम की घड़ियाँ हैं मेरे पास। हाँ, गोल्ड वॉच भी है, रेयर पॉकेट वॉचेस भी हैं जो रिपीटर हैं गोल्ड की, वो मेरे फादर के टाइम की है। तो उनको मैं यूज़ कम करता हूँ, बाहर कम निकालता हूँ, क्योंकि वो रेयर हैं, देखने को नहीं मिलती। कुछ पॉकेट वॉचेज ऐसा हैं जो एक टाइम एक इंडिया का बताती है, एक फॉरेन का बताती है, एक ही मशीन, रेयर है ही नहीं, लोगों ने देखी नहीं अभी तक। तो कुछ ऐसी घड़ियाँ हैं जो अवेयर के रखी है, संभाल के रखी है, और इंशाल्लाह मेरा ग्रैंडसन है, वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। हाँ, वो फिर उसकी ड्यूटी होती, फिर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, फिर वही करता रहता है जो कुछ करता रहता है। चाबियाँ अभियाँ भरना, 650 घड़ियों की चाबी भरना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतनी घड़ियाँ, मेरी घड़ियाँ 70-80 घड़ियाँ ही चालू होंगी, बाकी चाबी दोगे तो चल जाएंगी। ग्रीन रूम से लेकर या हॉल से लेकर बाथरूम तक घड़ियाँ देखनी। हाँ, मेरे बाथरूम में भी है, मालूम नहीं जी कैसा शौक है। जहाँ जहाँ मिली, मैं बिना घड़ी के तो इंदौर वापस आया नहीं हूँ। मैंने ऑलवेज ट्रेवल किया बाय रोड। मैं यहाँ से छोटे से छोटी जगह भी गया हूँ, तो वहाँ से बिना घड़ी के नहीं आया हूँ। पुराने ज़माने में आपको पता होगा, छोटी छोटी दुकानें होता थी घड़ी रिपेयरिंग की, छोटी छोटी जगह पे, जैसे सेंधवा है, खरगोन है, तो उसमें के वहाँ से मैं पूछता था, भैया कोई घड़ी बेचना है क्या? तो उन दोनों कोई 25 रुपये में दे देता था, कोई 30 रुपये में दे देता था, तो मैं ले लेता था। सर, कई बार ऐसा होता है कि अब कुछ आईटी कैसे हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ें होती है, हमारे पास बायर भी आते हैं कि इतने रुपए आते हैं, बाकी कम बेचता हूँ मैं। हाँ, कोई बाय द वे कोई डुप्लीकेट आ जाए घड़ी तो फिर बेच भी देता हूँ, बाकी बहुत कम होता है। घर में कभी घरानी ने कभी जिक्र किया इतनी सारी चीज़ों को, मैं कैसे? नहीं, पहले मेरी वाइफ थोड़ी सी चिढ़ती थी, बाद में तो फिर वो खुद ही बताते कि भैया वहाँ फलानी जगह से संदेशा आया, घड़ियाँ देख लो क्या है, अगर काम की है तो फिर ये है। अभी मेरे मोबाइल में करीब 400 घड़ियों के, बाकी अब इतना नहीं लेता हूँ मैं, अब जगह भी नहीं है। मेरी कुछ घड़ियाँ तो दीवार पर टंगी नहीं है, ज़मीन पर रखी हुई हैं, क्योंकि तो जगह नहीं है। जर्नी की बात करें, अब तक ओवरऑल 4 पीढ़ियों से आपकी ये जर्नी चल रही है, शो अभी तक लगातार बना हुआ है, एक साथ जब सारे कांटे
एक समय बताते हैं, कितना सुकून फील करते। सुकून की बात कर रहे हो, अब अगर मैं आप करेक्ट 8 बजे या 6 बजे या 3 बजे आओगे तो कुछ टाइम के लिए आप बात नहीं कर पाओगे, अगर सब घड़ियाँ चालू होंगी तो, क्योंकि उसमें सब में स्ट्राइकिंग शुरू हो जाती है। और मेरे पास करीब 100 घड़ियाँ तो ऐसी हैं जो हर 15 मिनट्स में बोलती हैं, उनको चाइमिंग बोलते हैं। 100 घड़ियाँ ऐसी हैं, अगर वो बजने लग जाएंगी तो आप बात नहीं कर पाओगे। कौन सी कंट्रियों की वॉच है जो आपके लिए बहुत स्पेशल है? नाम फ्रांस की घड़ियाँ ज़्यादा पुरानी हैं, इंग्लैंड की पुरानी हैं, स्टैचू क्लॉक फ्रांस की हैं, इंग्लैंड की जो क्लॉक्स हैं वो भी बहुत पुरानी हैं। कुछ क्लॉक तो मेरी 1700 की हैं, जो इनिशियली एक कांटे की घड़ी होती थी, पहले मिनट का कांटा बाद में आया, पहले आवर का कांटा आया, वो भी एक वर्किंग कंडीशन में है। मेरे पास कुछ घड़ियाँ हैं, 7-8 घड़ियाँ जो वर्किंग कंडीशन में है। फिर इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड बहुत पुराना है, अच्छी अच्छी घड़ियाँ इंग्लैंड की आती हैं। जर्मनी आता है उसके बाद में, कुछ घड़ियाँ सिर्फ जर्मनी ने बनाई है, जैसे एनिवर्सरी क्लॉक। एनिवर्सरी क्लॉक मतलब साल में एक बार चाबी भरना, साल में एक बार चाबी भरोगे फिर एक साल तक चलेगी वो। म्यूजियम सब आज ये से नहीं, ये तो बरसों से लोग मुझे बोल रहे हैं, बरसों से कि ये एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो जाए। और मैं चाहता भी हूँ, अगर मेरा ग्रैंडसन की इच्छा हुई तो हो सकता है मैं इसको म्यूजियम बना दूँ। म्यूजियम क्योंकि कहीं भी कोई भी घर में इतनी जगह नहीं होगी, और कुछ घड़ियाँ ऐसी हैं कि दिल से दूर नहीं कर सकता मैं निकल जाऊँगा, मेरी घड़ियाँ यहाँ रहने चाहिए, इतना मुझे प्रेम है इनसे। मेरा अनिल भल्ला और मेरे ग्रैंडसन का युवराज भल्ला है, वो अभी फ़िलहाल इंग्लैंड में है, वो आ जाएगा सितंबर में, फिर वो करता रहेगा जो कुछ भी है।